केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया की बंद कमरे में मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात तकरीबन 20 मिनट तक चली। सिंधिया और जयभान सिंह पवैया ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुलवामा हमले पर कांग्रेस नेताओं के सवाल उन पर खड़े किए और सिंधिया ने कहा कि हमारे जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपनी रक्त की एक एक बूंद का बलिदान दिया। जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। दुख की घड़ी में ग्वालियर पहुंचते ही घर में चाची जी नहीं गई और दिल के गहराइयों से श्रद्धांजलि और उनको उनके परिजनों को संवेदना है और यही एक भगवान से अर्चना है कि उनके दरबार में उनको स्थान दिया जाए आत्मा को शांति। कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हिंदुत्व और इस देश की संस्कृति के लिए लड़ती रही है, ये हमारे खून में है। लेकिन ये जो कांग्रेसी चुनाव के नज़दीक हमारे संतों के पास जाते हैं तो हर संत ये समझता है कि ये सोने की खाल ओढ़कर कोई मृग मारीच आया है, इसलिए मारीच मामा से ज़्यादा नाटक नहीं हो सकता। अगर कोई कांग्रेसी इस समय अभिनय कर रहा है हिंदू बनने का।